इंदौर प्रभाग के द्वारा जम्मू कश्मीर की ज्वलंत समस्या और वर्तमान परिदृश्य पर आयोजित एक सामयिक व्याख्यान प्रसंग जो संतोष सभागृह में रखा गया, जिसमें विषय था जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति, वर्तमान परिदृश्य और संभावनाएं, जिसमें वक्ता मध्य प्रदेश राज्य मंत्री दर्जा राघवेंद्र शर्मा, यशराज बुंदेला और कई वरिष्ठ जन मौजूद थे, जहां जम्मू कश्मीर से जुड़े महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके इतिहास से रूबरू कराया गया। साथ ही हमारे जवानों के बलिदान को भी याद किया गया। भारत सरकार कितना पैसा देती है, अगर आप चाहें तो जम्मू कश्मीर से नहीं पूछ सकते कि आप उसका क्या उपयोग करते हैं। भारत सरकार इतना पैसा देती है हम कल्पना नहीं कर सकते, जो पर कैपिटा पंजाब और पंजाब तो हमारा समृद्ध राज्य है, अगर बिहार और झारखंड जैसे हम गरीबी राज्य मानते हैं इनको उनकी तरफ देखें तो वहां पर कैपिटा अगर 995 रुपए देती है तो जम्मू कश्मीर पर कैपिटा 10,000 रुपए देती है।